आज की यह वीडियो रीजनिंग से संबंधित है। आज का प्रश्न है आपके सामने, गिरीश पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर सीधे गया और फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर सीधे गया, आरंभ के स्थान से कितनी दूर है? ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए इसको हल करते हैं। हल करने पर इसका सही आंसर निकलेगा। चैनल पर नए आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डायरेक्शन मैप आपको क्रिएट कर लेना है, बना लेना है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब लेफ्ट हो गया ये उत्तर का, राइट हो गया, पूरब का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, दक्षिण का लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, पश्चिम का लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब हम इधर सॉल्व करते हैं। गिरीश के बारे में बताया जा रहा कि पूरब की ओर सीधे 8 किलोमीटर गया, पूरब की ओर इधर, ध्यान देना चित्र में। ठीक है, तो ये गिरीश है, ठीक, गिरीश को जी से डिनोट किया और इनका ये प्रारंभिक स्थान है, ठीक, और यहाँ से ये पूरब की ओर जा रहा है और कितना गए, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं ओर पूरब की ओर जाने, दाईं ओर किधर, राइट, नीचे की तरफ, तो दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर सीधे गया। 3 किलोमीटर का मतलब इतना ले लेते हैं, ठीक, इसको 8 किलोमीटर को ऊपर लिख देते हैं, 8 किलोमीटर, और ये जी को भी ऊपर लिख देते हैं, ठीक। 3 किलोमीटर दाईं ओर पूरब से दाईं की ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ा, ठीक, 3 किलोमीटर सीधे गया, फिर दाईं ओर मुड़कर, अब ये नीचे की ओर है कि इसका मतलब किधर, दक्षिण दिशा की ओर है ना, दक्षिण दिशा की ओर है, तब ये दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर दक्षिण की दिशा की तरफ, दाईं ओर किधर, इधर पड़ेगा ना, तो दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर ये दाईं ओर मुड़े, ठीक, सीधे गए, आरंभ के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो ये इनका, ये प्रारंभिक स्थान ए है, ये और अंतिम स्थान जो है इनका ये बी है, ये अंतिम स्थान है और ये जो है इनका प्रारंभिक स्थान है ए। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला यहाँ से यहाँ तक का टोटल 12 किलोमीटर, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, इसको सी कर देते हैं, इसको डी कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम डॉट डॉट करके एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और ए को हम इधर कर देते हैं और इसको जो है करके इससे मिला देते हैं, और ये ए है, हमें ए बी चाहिए, ए बी की लंबाई कितनी है, मतलब दूरी कितनी है, यहाँ प्रारंभिक स्थान, यहाँ इतने के बीच की दूरी हमें चाहिए। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको ई बना देते हैं, यहाँ पर ये जो मिलान किए हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये एक आयत बन रहा है यहाँ पर, ई सी डी और जी, ये एक आयत है। ठीक है, आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ई सी बराबर जी डी के, ठीक है, ई सी बराबर जी डी के, तो जी डी कितने के बराबर, 8 किलोमीटर के, तो ये भी 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो ई सी 8 किलोमीटर है, तो इसके मतलब बी ई क्या आ जाएगा, तो बी ई निकाल लेते हैं, बी ई निकालेंगे कैसे, बी सी से जो है ई सी घटा देंगे, तो बी सी से ई सी घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर, तो ये बी ई आ गया, बी ई अभी काम में आएगा, बी ई और ए ई, ए ई भाई डी सी और ए ई, ए ई, ठीक है, तो यहां पर जी नहीं ए है, ठीक है, तो इसको हम ए करेंगे और यहां पर ए करेंगे, ठीक। अब डी सी, ये डी सी और ये ए ई,
दोनों बराबर होंगे कितने के, 3 किलोमीटर के, ठीक है। तो हमें ए मिल गया कितना, 3 किलोमीटर। अब ए मिल गया और बी मिल गया, हमें ए बी निकालना है। ए बी निकालना कैसे आएगा, ये एक समकोण त्रिभुज टाइप आपको दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज है ये, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम निकाल लेंगे यहाँ से क्या होगा, ए बी बराबर अंडर रूट, ए बी बराबर अंडर रूट क्या होगा, बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। मान रख देंगे बी ई कितना है, बी ई 4 है, यहाँ पर देख लीजिए निकाला है 4 किलोमीटर, इसको स्क्वायर कर देंगे। और ए ई कितना है, ए ई यहाँ से देखिए 3 किलोमीटर है, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 3 9, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बराबर अंडर रूट 25, 16 9 25 हो जाएगा और इसका मान आ जाएगा 5, ठीक है। तो जो ए बी का मान आया है वो कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर, ए बी बराबर आ गया 5 किलोमीटर, ठीक है। और हमें यही डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 5 किलोमीटर। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज प्रतिदिन अपलोड करी जाती हैं।